हेलो एवरीवन वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु आज की इस वीडियो में हम आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम के बारे में समझने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम इकोनोमेट्रिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे अक्सर ये एग्जाम में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रैंक कंडीशन ऑर्डर कंडीशन के बारे में तो आज हम इस टॉपिक को अच्छे से करेंगे ताकि इसमें से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप हंड्रेड उसका करेक्ट आंसर दे के आए ठीक है पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इससे पहले इकोनोमेट्रिक्स के तीन सेशंस ले चुकी हूँ आप पूरी प्लेलिस्ट में जाके बाकी के सेशंस भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे लिंक दिए गए हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया वहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड क्लासेस के शेड्यूल के लिए आ, इसके अलावा मेरी इकोनॉमिक्स की बेस्ट सेलिंग बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया पूरा कोर्स मेरा ज्वाइन कर सकते हैं आप अन प्लस पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया कोड भी दिया गया ठीक है सो लेट स्टार्ट देखिए बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम ये जो आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम है ना एक चीज याद रखना ये हमेशा किसी मॉडल की एस्टिमेशन से पहले सॉल्व होनी जरूरी है आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम मस्ट बी सॉल्व बिफोर बिफोर एस्टिमेशन बिफोर एस्टिमेशन ऑफ मॉडल अब ये सॉल्व कैसे होती है आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम में दो चीजें होती हैं ध्यान से समझिएगा द फर्स्ट वन इज रैंक एंड अदर इज ऑर्डर कंडीशन अगर ये दो कंडीशंस सेटिस्फाइड हो जाती हैं यानी कि हमारा मॉडल आइडेंटिफाई है और हम उसकी एस्टिमेशन शुरू कर सकते हैं। अगर ऑर्डर कंडीशन एंड रैंक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो ये बताती हैं कि हमारा मॉडल आइडेंटिफाई है अब ये जो रैंक कंडीशन है ये दो कंडीशन हैं। अब ऑर्डर कंडीशन जो है ये नेसेसरी तो है ठीक है नेसेसरी तो है बट ये सोफिशियंट नहीं है ठीक है रैंक के बाद एक ऑर्डर कंडीशन भी होती है

प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको दो कंडीशन चाहिए रैंक एंड ऑर्डर कंडीशन ऑर्डर कंडीशन इज नेसेसरी बट नहीं है फॉर आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम फाइन अच्छा तो अभी इसके बाद आगे देखिए आपको एग्जाम में ना रैंक कंडीशन से कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता सिर्फ ऑर्डर कंडीशन से ही आता है सो वी विल स्टडी हियर द ऑर्डर कंडीशन अब हम ऑर्डर कंडीशन के बारे में समझते हैं उसके लिए यहां पे मैं एक इक्वेशन लिख रही हूँ ऑर्डर कंडीशन तब सेटिस्फाई होती है देखिए एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड एंड इफ दिस इज ग्रेटर देन जी माइनस वन देन इट इज ओवर आइडेंटिफाइड अगर मेरा मॉडल एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड है या ओवर आइडेंटिफाइड है दोनों से ऑर्डर कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है ठीक है बट अगर के माइनस एम लेस देन है जी माइनस वन से सो ये मेरा मॉडल अनआइडेंटिफाइड या जिसको हम बोलते हैं अंडर आइडेंटिफाइड है ठीक है थीके? तो इससे मेरी ऑर्डर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती ऑर्डर कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जहाँ तो मेरा मॉडल चाहे एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड है चाहे ओवर आइडेंटिफाइड ठीक है एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड को हम जस्ट आइडेंटिफाइड भी बोलते हैं अगर मेरा मॉडल अन है तो ऑर्डर कंडीशन उसकी सेटिस्फाई नहीं है ठीक है ना ऑर्डर इस केस में मैं कहूँगी मेरा मॉडल आइडेंटिफाइड नहीं है ठीक है तो अब देखिए यहाँ पे ना अब ये क्या होता है कि एम जी लेट्स अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एक आपके पास साइमल्टेनस इक्वेशन मॉडल है जिसमें के का मतलब है यहां पे नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल्स ठीक है एम का मतलब है नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन दैट पर्टिकुलर जिस इक्वेशन को आपको आइडेंटिफाई करना है उस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन और जो आपका जी है जो आपकेरिएबल मैंने आपको पहले ही इंडिग्नस सारा क्लियर किया हुआ अब इसका हम समल्व करते हैं ऐसे ये समझ में नहीं आएगा लेट्स अंडरस्टैंड बाय एग्जाम्पल एल्फा नोट प्लस एल्फा वन हि इट इज वाई टू Plus alpha 2 here it is y 3. Then alpha 3 here it is x1, alpha 4, here it is x2, okay plus mu1. Then y2 is equal to alpha naught plus alpha 1 y 2 plus alpha 2 y 3 प्लस म्यू टू वाई थ्री इज इक्वल टू एल्फा नोट प्लस एल्फा वन वाई वन प्लस एल्फा टू वाई टू प्लस एल्फा थ्री एक्स थ्री प्लस म्यू थ्री मान लीजिए दिस इज योर साइमल्टेनस इक्वेशन मॉडल साइमल्टेनस इक्वेशन मॉडल पर अलग से क्लास लगाऊंगी ठीक है, so, इस model में आपकी ऑर्डर कंडीशन सेटिस्फाई कब होगी? होगी? कब होगीवल टू जी माइनस वन और के माइनस एम इज ग्रेटर देन जी माइनस वन यही है अब के क्या है इसमें के क्या है के का मतलब मैंने क्या बताया था टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो कितने हैं टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स काउंट वेरिएबल्स काउंट करने हैं कॉन्स्टेंट्स नहीं ये आपके कॉन्स्टेंट हैं इनको नहीं हम काउंट करेंगे दिस इज योर वेरिएबल दिस इज योर वेरिएबल दो तीन चार पांच पांच रिपीटेड नहीं लेने मुझे ये रिपीटेड है पांच अगेन रिपीटेड रिपीटेड टोटल मेरा जो के है दिस इज सिक्स अब एम क्या लिया था मैंने मान लो आपको फर्स्ट इक्वेशन के बारे में पता करना ठीक है आपको फर्स्ट इक्वेशन की आइडेंटिफिकेशन पता करनी है फर्स्ट इक्वेशन की तो अब फर्स्ट इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं एक दो तीन चार पांच एम इज इक्वल टू फाइव और जी के आएगा जी का मतलब मैंने बताया था नंबर ऑफ इक्वेशंस या नंबर ऑफ इंडिग्नस ये हैं इंडिग्नस वेरिएबल्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो इस इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में ठीक है थीके? तीन ही इंडिग्नस वेरिएबल्स तीन ही इक्वेशंस इक्वेशन नंबर ऑफ इक्वेशंस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिग्नस इट विल बी थ्री ठीक है अब इक्वेशन क्या है मेरी K -m, G -1. K -m, के माइनस एम जी माइनस वन के माइनस एम यानी थ्री माइनस वन तो ये आपका यानी इक्वेशन क्या हुई आपकी इक्वेशन विल बी अनिफाइड यानी कि आपकी ऑर्डर कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही सेटिस्फाइड नहीं हो गई ठीक है अब इस ऑर्डर कंडीशन को हम एक और ढंग से लिख सकते हैं यू कैन राइट हेयर अब एग्जाम में कई बार ये थेटिकल थे, क्वेश्चन भी आ जाता है दैट द एक्सक्लूडेड वेरिएबल्स फ्रॉम इक्वेशन एक्सक्लूडेड वेरिएबल्स फ्रॉम इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेश या नंबर ऑफ इक्वेश मतलब क्या बताया नंबर ऑफ इंडिगनस वेरिएबल्स लेस देन वन दिस इज योअर ऑर्डर कंडीशन इन थेटिकल डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एग्जाम में अगर ये डेफिनेशन आ जाएगी मैंने आपको डेफिनेशन बाद में कराई पहले एग्जाम्पल समझाई क्यों क्योंकि डेफिनेशन आपको समझ में ही नहीं आनी थी अगर आप एग्जाम्पल ना समझते अब ये वही चीज है जो मैंने आपको अभी बताई है मैंने क्या बताया के माइनस एम शुड बी इक्वल टू जी माइनस एम और k माइनस एम शुड बी ग्रेटर देन जी यही बताया यही ऑर्डर कंडीशन बताई यही डेफिनेशन ये एक्सक्लूडेड वेरिएबल्स है के माइनस एम को हम एक्सक्लूडेड वेरिएबल्स बोलते हैं दीज आर एक्सक्लूडेड वेरिएबल्स क्यों अभी बताती हूँ एक्सक्लूडेड वेरिएबल्स शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन किससे नंबर ऑफ इक्वेशंस या नंबर ऑफ इक्वेशनस वेरिएबल यही है जी लेस देन हो गई ये सॉल्व इसको एक्सक्लूडेड वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं मैंने फर्स्ट इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना था के माइनस एम मेरा क्या है के माइनस एम का मतलब वो वेरिएबल्स जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में नहीं है बट मॉडल में है यही मतलब था ना क्योंकि के का मतलब था टोटल वेरिएबल्स और एम का मतलब था इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स तो के माइनस एम क्या हुआ फिर ऐसे वेरिएबल्स जो इस इक्वेशन में नहीं है पर मॉडल में है वन आया था आपका के माइनस एम यानी कि छह वेरिएबल्स मेरे पूरे टोटल मॉडल में थे और पांच वेरिएबल्स इसमें से इसमें थे तो के माइनस एम का मतलब क्या हो गया एक्सक्लूडेड वेरिएबल्स फ्रॉम दैट इक्वेशन मतलब इस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स नहीं है पर दूसरी इक्वेशन में है दैट इज के माइनस एम ठीक है देख लो एक बार स्लाइड अच्छे से समझ में आ गया सो दिस इज बेसिकली इसी को हम ऑर्डर कंडीशन बोलते हैं ठीक है थीके? इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करती हूँ होपफुली आपको अच्छा लगा होगा सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक शेयर करिएगा थैंक यू